कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बंदिशें लागू की है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता राजधानी पटना में कोरोना के नए मामलों को देखकर हो रही है। पटना में एक बार फिर कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पटना में 4 महीने बाद कोरोना के 359 नए मरीज मिले हैं। इनमें 4 मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। तो वहीं एक दिन में 60 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्यादातर बच्चे शहरी इलाके के हैं। जिन इलाकों में संक्रमित बच्चे पाए गए हैं उनमें कंकड़बाग, पत्रकार नगर, कदम कुआं, शास्त्री नगर, गर्दनीबाग, फुलवारी शरीफ, बोरिंग रोड का इलाका शामिल है। ऐसे में पटना के कंकड़बाग स्थित तिवारी बेचर का इलाका भी कोरोना संक्रमण का नया हॉटस्पॉट बन गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पटना से उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, कोरोना की दूसरी लहर, लगातार केसेस में वृद्धि, और अब जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन में लगातार वृद्धि हो रही है, और रिहायशी इलाका बोरिंग रोड, कंकड़बाग इनमें शामिल है, क्या कुछ और मुश्तैदी सामने दिख रही है उत्कर्ष पटना में? जी हाँ ऋतिक, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कोरोना का लहर है वो करीब 4 महीने बाद वापस बिहार की राजधानी पटना पर दस्तक दे रहा है। जो एक तरफ जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उसमें भी इजाफा होता दिख रहा है। जो बीते दिन केसेस हैं वो 800 से ऊपर आए हैं। पटना राजधानी में भी जो केसेस हैं वो 300 से ऊपर आ रहे हैं। वहीं बीते शाम एक अपार्टमेंट में, जो विजयश्री अपार्टमेंट है कंकड़बाग इलाके में, वहां पर अफरा तफरी उस समय मच गई जब एक ही घर में 13 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। इसके बाद आनंद फानंद में पटना के सिविल सर्जन वहां पर पहुंचे और उस अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है और कोविड प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ऋतिक जी, तो क्या कुछ आपने बताया अभी कि विजयश्री अपार्टमेंट में 13 लोग मिले हैं, तो क्या वहां पर बाकी लोगों का भी टेस्ट वगैरह करवाया जाना चाहिए, तो क्या उस पर कोई अपडेट? जी हाँ, जिस तरीके से बीते दिन 13 लोग जो संक्रमित हुए हैं उसके बाद अपार्टमेंट को सील करके जितने भी अपार्टमेंट में लोग हैं उन्हें कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा गया है, और जो लोग की तबीयत में कुछ गड़बड़ी लग रही है या बुखार है उन्हें पहले ही क्वारंटाइन रहने के लिए कह दिया गया है। हालांकि जो कोरोना का संक्रमण है वो बिहार में और राजधानी पटना में फैल रहा है, लेकिन लोगों की जो जागरूकता है वो कहीं से नजर नहीं आ रही है। लोग साफ तौर पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो हर तरह से कह रही है कि आप मास्क पहने, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, घर से ही काम करें, लेकिन जो लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं। जी, तो जैसा आपने बताया प्रशासन भी अपना काम कर रही है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों ने ढिलाई दी है, मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन भी तो हाई अलर्ट पे है। प्रशासन का कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना के प्रति, तो क्या लोगों के साथ, मतलब यहाँ पर सामने आया कि चालान वगैरह काटा जा रहा है जो भी मास्क नहीं लगा रहे, क्या उस पे कहां तक की सच्चाई सामने है कि राजधानी पटना का क्या आलम है? यहाँ राजधानी पटना में साफ तौर पर बीते दिन धावा दल द्वारा अनाउंस किया जा रहा था लाउडस्पीकर पे कि लोग मास्क पहने, घर से बाहर ना निकले, जो मास्क नहीं पहनते हैं उनपे 50 रुपए का चालान कटेगा। जिसके बाद बीते शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपातकालीन बैठक की है और कल से 11 अप्रैल तक के लिए निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को भी बंद किया गया है और सार्वजनिक स्थल पर कोई कार्यक्रम पे भी प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, आज कुछ देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रकोप है वो प्रचंड होता दिख रहा है, जिसके बाद हर लोगों में एक दहशत मच गई है, लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो अभी भी इस चीज को लेकर सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष। तो एक बार फिर बता दें, पटना में भी कुछ ऐसा आलम है, पूरे बिहार में भी कोरोना के सेकेंड वेव ने भी दस्तक फिर से दे दी है, लेकिन लोग, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोग काफी ढिलाई अब भी बरत रहे हैं।